हाई एवरी वन वेलकम बैक टू यूर ओन अकेडमी डेट इज अचीवर्स अकेडमी आई एम यूर फ्रेंड यूअर गाइडर निशा शर्मा सो गाइज आज की वीडियो होने वाली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं चाहे वो इंग्लिश की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी के किसी भी टीचर की या मास्टर कैडर की या टी जी टी पी सी टी डी टी प्लस बी या के वी एस कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड दैन दिस वीडियो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो so सोगाइ आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है कन्फ्यूजिंग है कुछ वर्क हैं इंग्लिश के जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं उनके नेम्स और उनकी स्पेलिंग्स इवन बट उनके राइटर्स डिफरेंट होते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है तो उसी पे डिस्कस कर लेते हैं सम रिजेम्बलेंस इन इंग्लिश लिटरेचर मतलब कुछ रिजेंबल करते हुए वर्क हैं जिन जो दिखने में सिमिलर हैं बट दे हैव डिफरेंट राइटर्स पोएट नॉवलिस्ट तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले है यूलिसस आपने सुना होगा अब बात कर रहे हैं यूलिसस नोवेल की तो यदि आपसे पूछा जाए यूलिसस जो नोवेल है वो किससे रिलेटेड है जेम्स जोएस ठीक है तो नोवेल की बात की जाए तो जेम्स से रिलेटेड है एंड इसी तरीके से यूलिस जो पोएम की बात की जाए तो वो पोएम की बात की जाए तो लॉर्ड एल्फर्ड टेनिसन जो भी विक्टोरियन एज के बहुत ही ग्रेट पोएट हैं विक्टोरियन एज में बेसिकली हम रॉबर्ट ब्राउनिंग को याद करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन विक्टोरियन एरा बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ विक्टोरियन एरा रोबर्ट एल्फर्ट टेनिसन माने जाते हैं ठीक है तो ध्यान रखना आपसे पूछेगा वो नोवल क्योंकि आप वो, वो, यू पूछ दे यूलिस वर्क बाय और दोनों ऑप्शन देते दे, हैं ऐसे नहीं होता पूछता यूलिस पोएम बायलिसस नोवल बाय तो जस्ट रिमेंबर नोवल बाय जेम्स चुएसी एंड पोएम बाय लॉर्ड एल्फर्ड टेनिसन नेक्स्ट है डेफोडिल्स तो आई डोंट थिंक्स होगी किसी ने नहीं सुना होगा डेफोडिल्स जिसके अंदर बहुत सारा परसोनीफाई किया हुआ है विलियम अपना जो बहुत बहुत ज़बरदस्त है विलियम वर्ड्सवर्थ द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स जिसमें बहुत सारा पर्सोनिफाई किया हुआ है फ्लावर्स को बहुत ब्यूटीफुल किया हुआ वे से प्रेजेंट किया हुआ है बट ध्यान रखना इसके अंदर एक वर्ड लग जाए टू ठीक है खाली डेफोडिल्स पूछे तो जस्ट रिमेबर विलियम वर्ड्सवर्थ बट टू डेफोडिल्स आपसे पूछे टू डेफोडिल्स आपसे पूछे तो डेट इज रिलेटेड टू रॉबर्ट हैरिक दोनों ही पॉइंट हैं ध्यान रखेंगे वन बाय रॉबर्ट हैरिक एंड सेकंड बाय विलियम वर्ट्सवर्थ ठीक है नेक्स्ट तो वर्क है द डेथ ऑफ द सेल्समैन द डेथ ऑफ द सेल्समैन द डेथ ऑफ सेल्स यदि आपसे प्ले पूछा जाए प्ले प्ले की बात कर रही हूं मैं द डेथ ऑफ द सेल्समैन प्ले पूछा जाए तो अर्थर मिलर के द्वारा लिखा हुआ है ये प्ले पूछे तो अर्थर मिलर के द्वारा लिखा हुआ है एंड दैट ऑफ हायर्ड मैन देखो ये थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर सेल्स मैन है यहाँ पर हायर्ड मैन है और ये छोटी छोटी चीज़ें हम एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ठीक है थीके? तो ध्यान रखेंगे ये पोएम है हायर्ड मैन वाली और सेल्स मैन वाला प्ले है आर्थर मिलर का एंड द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन जो पोएम है वो रोबर्ट फ्रोस्ट की है रोबर्ट फ्रोस्ट को आई डोंट थिंक सो कि कोई नहीं जानता है इतना इम्पोर्टेंट है जबरदस्त अमेरिकन पॉइट है जिसने बहुत ब्यूटिफुली अमेरिकन राइटिंग में पोएम्स लिखी हुई है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से रोबर्ट ब्राउनिंग को यूट्यूब पर करवा भी रखा है सॉरी रोबर्ट फ्रोस्ट को अच्छे तरीके से डिटेल में आप देख लेना बेशक ठीक है नेक्स्ट है सीजर एंड कैल्यूपेट्रा सीजर एंड प्ले की बात पूछे तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह आपको पता है बहुत ग्रेट है प्ले राइटर के रूप में बहुत फेमस है, तो तो है यहाँ पर ध्यान रखना सीजर एंड कैलियोपेट्रा जॉर्ज बर्नार्ड शाह के द्वारा लिखा गया है बट एंटनी एंड कैलियोपेट्रा आपसे पूछा है तो यू ऑल नो इट्स रिलेटेड बाय विलियम शेक्सपियर ठीक है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिलेटेड मतलब रिटर्न है नेक्स्ट है अंडर द ग्रीन वुड ट्री अंडर द ग्रीन वुड ट्री यदि आपसे नोवल पूछा जाए तो थॉमस हार्डी थॉमस हार्डी जिसने एक फिक्शनल प्लेस क्रिएट किया था वेसेक्स जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है जैसे आर के नारायण ने मालगुडी को क्रिएट किया था फिक्शनल प्लेस था कोई रियल में नहीं है बट वी फील हाँ कि मालगुड़ी असली में है बट इनफैक्ट मालगुडी नहीं होता उसी तरीके से जो वेसेक्स प्लेस है वो थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में मिलता है लास्ट ऑफ विक्टोरियन भी कह सकते हो इसको एन ओपनिंग ऑफ मॉडर्न एरा भी हम आ, मतलब थॉमस हार्डी को पढ़ सकते हो ठीक है तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री नॉवल है थॉमस हार्डी के द्वारा बट ये जो लाइन्स है अंडर द ग्रीन वुड ट्री कुछ पोय पौए, पोएम फॉर्म में लाइन्स लिखी गई हैं तो ये लाइन्स विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं ध्यान रखेंगे अंडर द ग्रीन वुड ट्री कुछ पोइटिक फॉर्म्स में फॉर्मेट में कुछ पूछा जाए तो विलियम शेक्सपियर का नाम दोगे बट एक नोवेल आपसे पूछा जाए तो थॉमस हार्डी का नाम दोगे ठीक है नोवेल पोएम कुछ भी ना पूछे तो थॉमस हार्डी का नाम दोगे नेक्स्ट है प्रोथोमियस अनबाउंड प्रोथोमियस अनबाउंड जो प्ले है वो अचीलीज के द्वारा लिखा हुआ है यहां पर एक छोड़ी सी कंफ्यूजन है ध्यान से सुनिएगा प्रोथोमियस जो प्ले है दो प्ले ही है मतलब ये दो बंदों ने लिखा है एक तो सबसे पहले ग्रीक के अंदर बिल्कुल क्लासिकल लिटरेचर में जब ग्रीक प्ले राइटर चले जाते हैं अचीलीज़ ने लिखा है इसको ठीक है एक तो इसको अचीलिज ने लिखा है ग्रीक प्ले राइटिंग के अंदर ठीक है और इसको बाद में जाके रोमेंटिक एरा के अंदर पी वी शैली ने भी लिखा है ठीक है इनके नाम सेम है इनकी स्पेलिंग सेम है दोनों ही प्ले हैं पता डिफरेंस क्या है वो एग्ज़ाम में कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि ये प्ले किसका है क्योंकि भाई ये भी है ये भी है वो पूछेगा द ग्रेट ग्रीक ग्रीक प्ले यदि वो ग्रीक प्ले पूछे तो आप अचीरीज का नाम दोगे बट ब्रिटिश प्ले पूछे इंग्लिश प्ले पूछे तो आप पी बी शैली द मोस्ट रिवोल्यूशनरी पॉइट ऑफ रोमेंटिकेरा तो आप पी बी शैली का नाम देंगे पी वी शैली भी मैंने डिटेल में करवा रखा है नेक्स्ट है ट्रिल्स एंड प्रेसिडे अब यहाँ पर स्पेलिंग का डिफरेंस है ट्रिल्स एंड प्रेसिडे जो पोएम पूछा जाए तो जॉफरी चोसर द पॉइट द ग्रेट पोयट फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉफ्री चोसर के द्वारा लिखा गया है आपको ध्यान रखेंगे ट्रुवल एंड क्रिस्डे एंड द सेम थिंग जस्ट रिमेंबर द स्पेलिंग दैट इज सी आर ई एस ई वाई डी ई इट द स्पेलिंग एंड सी आर ई डबल एस आई डी ई ये ध्यान रखना क्रेसिडा ये वाई डी ई वाई जो है ना जो पुराने जमाने वाली स्पेलिंग ये तो पोएम चली जाती है जोफ्री चोसर की एंड ट्रुवस एंड क्रेसिडा एस मतलब ये सीधी सीधी सी लिख रही है ना सिंपल सी स्पेलिंग तो ये ट्रेजिडी है विलियम शेक्सपियर की सबको पता है ठीक है नेक्स्ट है द ओल्ड मैन एंड द सी द ओल्ड मैन एंड द सी जो ओल्ड मैन ऑफ सी नोवेल है अर्नेस्ट हमिंग वे का है अर्नेस्ट हमिंग वे का नोवेल है जो अमेरिकन राइटिंग्स में ही आता है द ओल्ड मैन एंड द सी नोवेल की बात करें तो अर्नेस्ट हमिंग वे से रिलेटेड है एंड द ओल्ड मैन एट द जू ध्यान रखेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी और यह है ओल्ड मैन एट द जू तो ओल्ड मैन सेम सेम सा लगता है हमें तो ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हमिंग वे का नोवेल है एंड द ओल्ड मैन एट द जू ये नोवेल आपसे पूछा जाए तो ये एनगस विल्सनस ये ब्रिटिश प्ले मतलब ब्रिटिश राइटर ही है ब्रिटिश राइटर ही है एनगस विल्सन ठीक है ध्यान रखेंगे तो ये कुछ वर्क थे इंग्लिश लिटरेचर के जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजम्बल करते हैं और जहाँ से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है तो होप्सो आफ्टर दिस वीडियो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कन्फ्यूज यू तो आई थिंक ये कन्फ्यूज आपको नहीं करने वाला है ऐसी छोटी छोटी इंग्लिश लिटरेचर की मगर मोटी बातें मैं आपको पढ़ाती रहूँगी यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूले एंड इफ़ यू फील किया इट्स गिव यू सम गुड इन्फॉर्मेशन दैन डोंट फॉरगेट टू कमेंट प्लो और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोज मैं आपको लाती रहूँगी होप्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर का आपको किसी भी तरीके के किसी भी एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना जिसके अंदर वर्ल्ड लिटरेचर ब्रिटिश इंडियन एन ऑल थिंग इज कम्पलीट देन यू कैन विजट अचीव अस अकेडमी ऐप यू विल गेट ऑल द कोचिंग रिलेटेड टू स्क्रीनिंग फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड मास्टर ग्रेड वट एवर जो भी एग्जाम है डी टी प्लस बी के वी एस एंड ऑल सो बाय टेक केयर हैवे नाइस डे मिलते हैं कल इसी प्रकार की छोटी सी नई वीडियो के साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताना ना भूलें बाय बाय